पूर्णिया में आईटीआई पास आउट छात्रों ने रेलवे परीक्षा में से आईटीआई को हटाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रेलवे में से आईटीआई को हटाने के फैसले के बाद उन लोगों की डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रह गया है और सरकार की ऐसी ही नीतियों के कारण आज युवक डिग्री लेकर भी बेरोजगार हैं। आईटीआई जो ग्रुप डी से हटा दिया है, सरकार का फैसला जो पहले हुआ था कि आईटीआई लागू किया जाए और उसको जो फिर राजनीतिक इसको मुद्दा बना के वोट बैंक करने के लिए जो हटा दिया है, हम लोग उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और आईटीआई को पुनः लागू किया जाए। मुरलीगंज से और यहाँ आके पढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म को कहाँ पे भर रहे हैं? कहाँ, मुरलीगंज मेरा घर है, मैं यहाँ लाइन बैठ मेरा पढ़ रहा हूँ। इतना नहीं मिलेगा होगा, हम बोलिए साल ट्रेड करके आईटीआई पढ़े, अभी आईटीआई का लागू किया गया था ग्रुप डी में, क्योंकि उसके लिए 40,000 से प्लस सीट 53 सीट दिया हुआ था। अभी हुआ क्या, बिना आईटीआई वाले जो लोग किए उनको हटा दिया गया। मेरा कहना है कि आईटीआई और बिना नॉन आईटीआई दोनों को सेम आरक्षण दिया जाए और सेम सीट दिया जाए, जिससे बिना आईटीआई और आईटीआई वाले दोनों को प्रॉफिट हो। आईटीआई की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अभी, और बिना नॉन आईटीआई का।